तो इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नौतपा का असर देखने को मिल रहा है। राजगढ़, शाजापुर, निवाड़ी, सागर, गुना, खजुराहो और सीहोर जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पाई गई है। मौसम विभाग ने रतलाम, धार और राजगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में लू का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 46 जिलों में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। वहीं बात करें अगर राजधानी भोपाल की तो पिछले 10 साल में दूसरी बार सबसे ज्यादा यहां तापमान देखने को मिला है। यहां रविवार को पारा 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा तेज धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जेपी अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसका असर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में रहेगा। तो जानलेवा होते जा रही है गर्मी। नौतप्पा भी चल रहा है। नौतप्पे का तीसरा दिन है आज। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर की बात करें तो यहां 43 डिग्री के पार तापमान दर्ज किया गया है। नौतप्पा का जैसा कि हमने आपको बताया तीसरा दिन है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाके हैं, इंदौर, उज्जैन, खुद राजधानी भोपाल, रतलाम, इन जगहों पर पारा कई ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके साथ कई जिलों में लू का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो तेज गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। नौतप्पा चल रहा है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तपिश का तपन है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए, लोगों के जो बेहाल हो रहे हैं उनको बताने के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता गौरव जुड़े हुए हैं। वहीं राजधानी भोपाल से अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां से अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, आपसे जानना चाहेंगे भोपाल में, क्योंकि नौतप्पे का तीसरा दिन है, तो भोपाल में कितना तापमान दर्ज किया गया है, क्या कुछ वहां भी लोगों की स्थिति है, गर्मी ने किस कदर कहर बरपा के रखा है? नौतपे का जो है तीसरा दिन है। अगर हम बात करें तो पहले दिन से ही जो है तपिश का तांडव हमें देखने को मिल रहा है। तीसरे दिन भी जो है मध्य प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं, 10 जिलों में मौसम विभाग ने लू चलने का जो है रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन रविवार की अगर हम बात करें तो यहां 45 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन माना जा रहा है। इससे पहले जो है पिछले रविवार की बात करें तो यहां का टेम्परेचर 44.7 डिग्री गया था, लेकिन कल का जो दिन था बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए दर्दनाक था, क्योंकि कल जितनी गर्मी पड़ी है वो इससे पहले जो है 16 साल पहले इतनी गर्मी राजधानी भोपाल में पड़ी है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों तक राजधानी वासियों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश वासियों की बात करें, तो उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं तो जो गर्मी के कारण जो है लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो मरीजों की जो है उल्टी दस्त और बुखार के जो मरीज हैं बड़ी संख्या में जो है जेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो उसे लेकर जो स्वास्थ्य विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया, बड़ा कदम उठाया है। उसने जो है डॉक्टरों की जो छुट्टियां हैं उस पर रोक लगा दी है कि बिना परमिशन के जो है कोई भी डॉक्टर अब छुट्टी नहीं ले पाएगा। इसके अलावा अगर सीएम मोहन यादव की बात करें तो मोहन यादव ने भी जनता से ये अपील की है कि बिना किसी काम के जनता घर से बाहर नहीं निकले। हालांकि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आगामी अभी 3-4 दिनों तक जो है मौसम ऐसे ही रहने वाला है। राजधानी भोपाल का जो है टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच चुका है। दिन की अगर बात करें तो यहां सामान्य तौर पर जो है 44 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन धीरे धीरे शाम तक 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। अगर रात की भी बात करें तो रात में भी जो है गर्म हवाओं का सामना जो है जनता को करना पड़ रहा है। सुबह 5:30 बजे के तापमान की बात करें या फिर रात में 10:30 बजे के तापमान की बात करें तो 36 से 37 डिग्री जो है लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की हमने बात करी, मध्यप्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात करी, छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। गौरव, जिस तरीके से आप दिखाई दे रहे हैं, आप धूप में खड़े हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, तो गर्मी का कहर साफ साफ नजर आ रहा है। क्या कुछ स्थिति रायपुर की? देखिए, नौतपा का तीसरा दिन है और लगातार जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है। रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री तक पहुंच चुका है और आज से
न सिर्फ रायपुर बल्कि बिलासपुर और दुर्ग संभाग के भी कई जिलों में ग्रीष्म लहर की हीट वेव की चेतावनी जारी की गई मौसम विभाग के द्वारा। कल शाम से ही हम देख पा रहे हैं कि तेज धूप के साथ साथ उमस भरी गर्मी है और यही वजह है कि अब एसी और कूलर भी काम नहीं कर रहे, तो स्थिति जो है वो इसी तरह की बनी हुई है। आगामी तीन दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान जो है उसमें वृद्धि की संभावना जताई गई, 44 डिग्री तक के जो टेम्परेचर है वो पहुंच सकता है और साथ साथ कई स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई, लेकिन वर्षा के बाद उमस भरी गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी और वो लोगों को परेशान करेगी। तो इसी तरह की स्थितियां जो है वो कई जिलों में बनी हुई है और अगर हम बात करें तो रायपुर इस समय सबसे गर्म जिला बना हुआ है और जगदलपुर में तापमान जो है वो कुछ हद तक कम है, कुछ हद तक वहां पर राहत है, लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की जानकारी कल शाम को सामने आई थी, लेकिन इसके बाद में उमस से बढ़ने से और लोग परेशान हैं। अगर कल के लिए चेतावनी की बात की जाए तो कल भी बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में ग्रीष्म लहर की स्थिति बनी रहेगी और कुछ स्थानों में इसके लिए हीट वेव के लिए जो मौसम विभाग ने चेतावनी है वो भी जारी की हुई है। जी जी बिल्कुल गौरव, आपसे एक और चीज की जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हर साल हम ये देखते हैं कि जब भी ऐसी भीषण गर्मी पड़ती है, खास करके जब नौतप्पा जब शुरू होता है, तो कई सामाजिक जो लोग हैं वो भी कई प्रकार की सुविधा जो है लोगों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से भी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है ताकि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी थोड़ी बहुत ही लेकिन राहत तो पहुंचा दी जाए। तो इस बार क्या कुछ जो है शहर में देखने को मिल रहा है? देखिए, जिन स्थानों में अधिक भीड़भाड़ होती वहां पर निश्चित रूप से लोगों को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अगर रायपुर रेलवे स्टेशन की बात करें जहां हर दिन 10,000 से अधिक लोगों की आवाजाही होती, वहां पर मिस्टिंग मशीन को चालू कर दिया गया है। शहर के विभिन्न स्थानों में प्याऊ घरों को एक बार फिर से सामाजिक संगठनों की मदद से खोला गया है। साथ ही साथ ऐसे स्थानों पर जहां पर शेड लगे हुए वहां पर भी जो हम देखते थे कि बस स्टैंड में, बस स्टॉप में एसी लगे हुए थे वो बंद पड़े थे काफी समय से, उसे सुधरवाने की व्यवस्था की जा रही। जिन स्थानों में एयर कंडीशन नहीं भी वहां पर कूलर लगाए गए, तो कई आवश्यक व्यवस्थाएं जो है वो शासन प्रशासन की ओर से भी की गई है। साथ ही साथ सामाजिक संगठन भी आगे आकर, चाहे प्याऊ घर का खोलने का विषय हो, चाहे लोगों को अन्य पेय पदार्थ पिलाने का विषय हो, तो मदद करने के लिए लगातार सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। विभिन्न गुरुद्वारों के सामने लोगों को शरबत पिलाया जा रहा है दोपहर के समय में, रेलवे स्टेशन में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। तो सामाजिक संगठन भी और शासन प्रशासन भी अपनी ओर से इस बात को लेकर सजग है कि हीट वेव जैसी स्थिति चल रही तो लोगों को कम से कम थोड़ी राहत मिल सके। तो हीट वेव में थोड़ी सी राहत मिलने के लिए यहां पर सामाजिक संगठन आगे आए हैं। भोपाल का रुख करते हैं। अंजलि, जिस तरीके से मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया था कि जल्द इस बार मॉनसून भी जल्द आने वाला है, तो कितने दिन और इतनी गर्मी का कहर सहने पड़ेगा? देखिए, अभी अगर नौतपे की बात करें तो पूरे 9 दिन जो है मध्य प्रदेश में तपने वाले हैं, लेकिन अगर मानसून की बात करें तो मानसून मध्य प्रदेश में 15 से 16 जून के बीच में दस्तक देगा। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगर हम देखे जाए तो रेमन जो तूफान है, चक्रवाती तूफान जो है वो टकराया है, उसका असर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो है जनता को भीषण गर्मी से जो है राहत नहीं मिलने वाली है। लगातार टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलेगी। इन सबका अगर हम कारण पता करें तो जो राजस्थान और गुजरात की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, गर्म हवाएं आ रही हैं, उसकी वजह से लगातार जो मौसम है वो गर्म बना हुआ है और लगातार जो तापमान है वृद्धि देखी जा रही है। लेकिन मानसून जो है जो तय समय पे ही अगर बात करें तो 15 से 16 के बीच में आएगा, जिसके बाद जनता को एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी। जी तो बिल्कुल, तो फिलहाल तो गर्मी जानलेवा बनी हुई है, आसमान से आग बरस रहे हैं, तपिश का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे वो छत्तीसगढ़ में। उसके साथ साथ मौसम विभाग ने दोनों ही प्रदेशों के कई जगहों पर, कई इलाकों पर हीट वेव का और लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। आप दोनों का, रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़े थे और भोपाल से अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।